यहाँ पर तीन उम्मीदवार हैं, एक कांग्रेस पार्टी का है, एक भाजपा जनजपा का है और एक इनेलो से है, तीन यहाँ हैं। तो जहाँ तक सवाल है भाजपा जनजपा का, इनका घोषणा पत्र उठा के देखो आप। पहले भाजपा का और गठबंधन बना, जनजपा का और भाजपा का, क्या क्या वायदे आपसे करके गई है और कौन सा वायदा किया पूरा? क्या किसान से क्या वायदा किया था कि एमएसपी देंगे, एमएसपी नहीं देंगे तो जनजपा वाले कह रहे थे हम बोनस देंगे, इतनी नौकरियां देंगे, क्या क्या मतलब बिल्कुल सैकड़ों वायदे। मेरा आपके माध्यम से चैलेंज है इनको, जनजपा और भाजपा को, एक भी वायदा पूरा किया हो। ये कहा था किसान को स्वामीनाथन का भाव देंगे, एमएसपी देंगे। मैं सारे हरियाणा में घूम के आया, जो परेशानी आज किसान को हो रही है, अरे जहां धान पैदा करता किसान वहां धान से मंडियां भरी पड़ी हैं, उसको भाव नहीं मिल रहा, लाइन में खड़ा है अपने धान बेचने के लिए और खाद लेने के लिए, डीएपी खाद नहीं मिल रहा, डीजल का और पेट्रोल का भाव देख लो क्या हो गया, मतलब हर तरफ से किसान को और गरीब आदमी पर। तो गरीब आदमी की रसोई कितनी महंगी होती जा रही, उसके लिए जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो गया। मनरेगा में जो मजदूरी मिलती है गरीब आदमी को, ये हरियाणा सरकार उसको भी मजदूरी नहीं दे रही। और व्यापारी तो ये कह रहे भाई हमारा मुनाफा तो गया दूर, हम तो पूंजी खा रहे हैं, कब तक ये पूंजी खाएंगे। कर्मचारी हैं वो सड़कों पे रहते हैं, तो कोई भी वर्ग खुश नहीं, ना व्यापारी, ना किसान, ना कर्मचारी, ना ग्रामीण, ना शहरी, कोई भी एक वर्ग भी आज से नहीं, क्योंकि कोई काम किया नहीं। ये तो जो गठबंधन की सरकार बनी है, ये कोई आप लोगों के हित में नहीं, हरियाणा के किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी के हित में नहीं है, ये तो कोई स्वार्थ का है। कोई नीतिगत तौर पे इनका गठबंधन नहीं बना, क्योंकि चुनाव में आपने देखा होगा जनजपा वाले तो कहते थे कि भाजपा को जमुना पार फेंको, और भाजपा वाला कहते थे हम 75 पार जाएंगे, एक कहता 75 पार, एक कहता जमुना पार, दोनों की सरकार बनी नहीं। उसके बाद देखा अब दोनों बन गए यार, खाने लिए नहीं, अजीब तमाशा देखा मैंने, राजनीति का मजाक उड़ा दिया। अब यहां चुनाव हुआ, सवाल आया, मेरा राजनीतिक तजुर्बा बहुत है, मैं गठबंधन होते हैं और जब कोई टिकट का बात आती है तो जो गठबंधन के भागीदारी होती है पार्टियां जो मिली हुई होती हैं, उनमें झगड़ा होता है, भाई हम लड़ाएंगे, वो कहेगा हम लड़ाएंगे, हमारे को सीट दो। यहाँ अजीब तमाशा देखा हमने, जेजेपी वाले कह रहे हम नहीं लड़ाते भाई, बीजेपी वाले कह रहे हम भी नहीं लड़ाते, फिर क्या हुआ, हलोदा एक और पार्टी थी, उसको लेकर उसको अपना उम्मीदवार बना दिया हलोदा से। कल एक कार्टून था अखबार में, उसमें गोपाल कांडा जी हमारे साथी रहे, मित्र भाई मेरे, विधायक रहे हमारे साथ, और अजय चौटाला जी इकट्ठे बैठे, और उसने लिख रखा एक ने, एक अपने भाई को हराने के लिए बैठा है, एक अपने भाई को जिताने के लिए। क्या हो गया भाई, इनका पता ही नहीं क्या गठबंधन के है, इनके गठबंधन का नतीजा क्या है। इनका नतीजा ये है 2014 में जो हरियाणा पूरे देश में प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर एक था, सबसे ऊपर था, ये मेरी बात नहीं तो रिकॉर्ड की बात है, पूरे देश में हमारे से आगे कोई नहीं था, आज पिछड़ गए,
और आज किस चीज में हम नंबर एक, हम नंबर एक है बेरोजगारी में, हम नंबर एक है अपराध में, बहुत सारी चीजों में दुनिया देश में दूसरे नंबर पे है या तीसरे नंबर पे है। तो ऐसी परिस्थिति है यहाँ। ये तो बीजेपी है, जनता की बात सुनाए तब में। फिर दूसरे उम्मीदवार हैं अभय जी, अभय चौटाला जी मेरे साथ विधायक रहे, कई बार संबंध हैं, मित्र हैं। तो उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लेके आया मैं जब सरकार के खिलाफ, तो एक माहौल बना इस सरकार के खिलाफ, और इस सरकार ने कोशिश की। एक तो हमारे आदमी को डिस्क्वालीफाई हो गया पिटीशन में, चलो वो तो कोर्ट ने फैसला किया था, फिर रीइंस्टेट हो गया। दूसरा, अभय चौटाला जी ने इस्तीफा दे दिया वोट डालने से पहले, भाई अविश्वास प्रस्ताव में वोट डालने के बाद भी दे सकते थे ना, अगर इस सरकार के खिलाफ दे दो, लेकिन वोट डालने से पहले इस्तीफा दे गया। और कहा क्या, ये कहा कि तीन जो कानून हैं, कृषि कानून, इनके विरोध में दे रहा हूं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा अभी उसका। हमारे किसान भाई बैठे हैं, पूरे देश में इस बात की चर्चा है, आपने देखा किस तरह अन्याय उत्तर प्रदेश में हुआ, किस तरह किसान वहां रो दे गए पीछे से, वहां जैसे डॉक्टर केवी सिंह ने बताया, प्रियंका गांधी जी भी गई, इंद्र भी गया उनके साथ, तो वहां एक माहौल पैदा हुआ। तो ये कानून, कहा कि मैं कानूनों के खिलाफ इस्तीफा देता हूं और इस विधानसभा में कोई फायदा नहीं जब तक कानून वापस ना हो। तो मेरा एक ही सवाल है अभय चौटाला जी से, भाई वो तीनों कानून वापस हो गए के जो दोबारा आप लड़ रहे हो, वापस हो गए हम तो मैं खुद स्वागत करवाऊंगा। हाँ भाई लड़ो, आपने जो बात कही थी तीनों कानून जो है वापस हो गए, अब चुनाव लड़ो। लेकिन कानून तो वहीं के वहीं है, कोई वापस नहीं हुए, क्यों इस्तीफा दिया था भाई? ये आपके सामने, आपको सोचना है, आपके हित में क्या है? एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, एक तरफ इनेलो है, एक तरफ भाजपा है और जेजेपी है, साथ हालोदा भी आ गई, तीन हो गए, तो आपके सामने है। फैसला तो आपने करना है, आपके हित में क्या है? एक ही फैसला है आपके हित में, पूरे प्रदेश के हित में, आपके हित में, छत्तीसगढ़ी के हित में, कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को यहां से जिताओ, कांग्रेस पार्टी को जिता में भेजोगे तो भाई आगे आपके बच्चों का भविष्य बनेगा। अब जो प्रकार करे, आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि बयान था कि भाई बहुत अच्छे वायदे पूरे किए हमने, एक वायदा कर क्या क्या, ये जो प्राइवेट इंडस्ट्री है इसमें 75% नौकरी हरियाणा वासियों को देंगे। ये इतना भद्दा मजाक किया है हरियाणा के युवकों के साथ, उनको बर्बाद करने का काम किया इन्होंने। क्या दो मिसाइल होता है पूरे हिंदुस्तान में, सारी स्टेटों में दो मिसाइल 15 साल का है, 15 साल कम से कम यहां रह रहे हो उसको दो मिसाइल दो, उसका उसका हक बनता है हरियाणा में, उसमें जहां रिजर्वेशन हो हरियाणा के नाम की। इन्होंने दो किस्म के डो मिसाइल बना दिए, जो प्राइवेट नौकरी में लेने वाले हैं उनका डो मिसाइल 5 साल, दूसरों का 15 साल। फिर हरियाणा के लोगों को कहां मिलेगी भाई, बताओ मेरे को, मैंने असेंबली में उठाया था, मैं ये वापिस लो, 15 साल डो मिसाइल पूरे देश में लागू है, तो हरियाणा में 15 साल का लागू करो। लेकिन नहीं, कोई मतलब नहीं। तो कोई भी एक भी काम इस सरकार का ऐसा नहीं कह सकता, हमने भी समय दिया था इनको 2 साल, यह भी सरकार बनी, मैं भाई 2 साल हम आपको देखेंगे, अच्छा काम करोगे, मैं तो प्रजातंत्र का आदमी हूं, मैं अच्छा कहूंगा, और भाई दैनिक का काम नहीं करोगे तो डट के विरोध करेंगे। 2 साल की इनकी परफॉर्मेंस देख के इस नतीजे पर पहुंचे हम,
इन्होंने एक काम भी दलित में नहीं किया, किसान का, मजदूर का, गरीब आदमी का, एक काम बता दिया। अपने स्वार्थ में गठबंधन बना रखा है, अपने स्वार्थ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप देख लो कहीं भी इतना भ्रष्टाचार, मैं दिल्ली जाता हूं तो दिल्ली में जिनका हरियाणा से वास्ता नहीं, वो लोग कहते हैं मेरे को ये हरियाणा में तो लूट मच रही है। आप आवाज उठाओ, हम तो आवाज उठाए हैं भाई, ये असली आवाज तो लोग उठाएंगे, ये आपके सामने है। अब यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कहा, खैर उन्हें वापस ले लिया अपने लव, तो उसकी कोई ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। फिर उन्होंने एक भाषण में कहा था लठ खा लो, आपने भी सुना होगा। तो जब मैंने एतराज किया तो उन्हें वापस ले लिया। भाई मैं लठ खान की बात तो कहने नहीं आया हूं आपको, लेकिन मैं एक बात कहने आया हूं, इनको वोट की चोट से मारो। वोट की चोट जो है, देख लठ की दवाई दो दिन में ठीक हो जाएगी, तीन दिन में ठीक हो जाएगी, पर वोट की चोट 5 साल दुखेगी। ऐसी चोट मारो जो 5 साल दुखेगी। इन्हीं शब्दों से मेरा सबसे निवेदन है, कांग्रेस पार्टी को 36 प्रांत एक होकर ज्यादा से ज्यादा वोटों से यहां से कामयाब करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।